ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के उफान आने के बाद अब इसमें कमी देखी जा रही है। यूपी में तेजी से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त 85,000 से भी कम कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, लेकिन इन सब के बीच तीसरी वेव की आहत से हर कोई परेशान है। जानकारों की माने तो तीसरी वेव की जद में देश की 35% तक जनता आ सकती है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और किशोर हो सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से एक हफ्ते के भीतर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े आयोग में जमा करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने एक विस्तृत फॉर्म राज्यों को भेजा है, लेकिन इस फॉर्म में आंकड़े भरते वक्त राज्यों के पसीने छूट जाएंगे। इसमें बच्चों के इलाज के लिए कुल अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर, नर्सों के आंकड़ों को जुटाने में तो शायद राज्यों को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे के आंकड़े जुटाने में राज्यों को मुश्किलें हो सकती हैं। दरअसल पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट में चाइल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े गायब नजर आते हैं, लिहाजा ऐसे में राज्यों को इतने बारीक आंकड़े आयोग को देना आसान नहीं होगा। तीसरी वेव में जिस तरह बच्चों पर कोरोना के अटैक करने की आशंका है, उससे स्वास्थ्य मंत्रालय खासा परेशान है। देश में बच्चों के लिए बुनियादी सिस्टम की किल्लत से बड़ी दिक्कत यह है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है, और इसकी मुख्य वजह मेडिकल सिस्टम में टेक्नीशियन की भारी किल्लत का होना बताया जा रहा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना और उसका सामना करने की योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए अभी से अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई, तो वहीं पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम पर बड़ी जिम्मेदारी है, हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक्टिव केस कम हुए हैं। दुनिया के लोग ये दावा कर रहे थे कि यूपी कोरोना का हॉटस्पॉट बनेगा, लेकिन केस पर नियंत्रण करने में हम कामयाब रहे। और चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि तीसरी लहर आखिर खतरनाक कितनी है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इसमें संक्रमित होने की संभावना है, और दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर में इसका खतरा ज्यादा नजर आता है। पहली लहर में बुजुर्गों पर कोरोना का अटैक हुआ, दूसरी लहर में युवाओं का जो है इसकी जद में आते हुए हमने देखा, लेकिन तीसरी लहर जब आएगी, जिसकी संभावनाएं आशंका लगातार जताई जा रही हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा हमें बचा करके रखना होगा। 8 महीने से 12 साल तक के बच्चों में लक्षण देखे जा सकते हैं। कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण मिला है, राजस्थान इसका एक अच्छा उदाहरण भी है। राजस्थान के अंदर बीते कुछ समय से लगातार जो संक्रमण बढ़ा है और जो बच्चों में संक्रमण देखने को मिल रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि राजस्थान, और ये कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि देश भर के अंदर एक बार अगर तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो ये माना जा सकता है कि ये तीसरी लहर की आहट है। वहीं राज्यों में भी इसकी स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, और अलग अलग राज्यों के अपने तैयारियों के हिसाब से इसको हम मान सकते हैं। तो इसीलिए देश में करीब करीब जितने अभी तक वैक्सीनेशन सेंटर चलाए गए हैं, तो अभी तक वहां पर बच्चों के लिए वैक्सीन की कोई उपलब्धता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि बच्चों के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन है वो तैयार हो सके, और साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो सावधानियाँ घर पर रह करके ही बरतनी होंगी उनको हमें पूरा करना होगा। वहीं साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतियां बड़ी हैं। सरकारों के सामने एक बड़ी मुश्किल ये है कि जो बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए उसको तेज़ करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, और ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक तीसरी लहर के आने की संभावनाएं हैं, और ऐसे में कुछ ही महीनों का समय है जिसमें हमें बड़ा मजबूती के साथ स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ऐसे में हमें क्या नहीं करना है, कैसे हमें अपने बच्चों को कोरोना से बचाना है, तो ये भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। शॉपिंग मॉल अगर खुले हैं या फिर आने वाले समय में अगर खुलते भी हैं, तो ऐसे में आपको वहां पर जाने से बचना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप अपने बच्चों को ना लेकर के जाएं, थेरेपी या फिर दवा का सेवन ना कराएं, और ये आपको बहुत हद तक सबसे पहले इस पर नज़र बनानी होगी। और आपको शुरुआत में ही अगर किसी भी तरीके से लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर आपको सलाह लेनी होगी।
और चलिए जरा इन्हीं चीज़ों को समझ लेते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे हम तीसरी वेव से बच सकते हैं। और सबसे पहले खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया, बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज झांसी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर ब्रजेश कुमार आपका। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर ब्रजेश कुमार आपसे ही करना चाह रहा हूँ, बच्चों के लिए तैयारियाँ किस तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम में की जा रही हैं, क्योंकि तीसरी लहर की जब आशंका जताई जा रही है तो ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने है। ब्रजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर ब्रजेश कुमार मुझे सुन पा रहे हैं आप? ब्रजेश कुमार जी आपकी आवाज म्यूट है, एक बार जरा उसको अनम्यूट कर लीजिए। ब्रजेश कुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच हम जरा ये भी जान लेते हैं, डॉक्टर अखिलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश, आप ये जो तीसरी लहर है, इस तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा नज़र आता है, तो इसके लिए हमारा जो हेल्थ सिस्टम है कितना तैयार है और कितनी तैयारियाँ, क्योंकि अब बहुत कम समय है, ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक तीसरी लहर आने की आशंका है, तो उससे पहले हमारी जो हेल्थ सिस्टम के अंदर बेहतरी करनी होगी, जो हमें तैयारियाँ करनी होंगी, क्या वाकई में वो मुकम्मल हैं? जहाँ तक देखा जाए बच्चों के लिए विशेषकर अभी आईसीयू की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश में, स्पेशल लखनऊ में भी देखा जाए तो अभी बच्चों के लिए जो आईसीयू और पीआईसीयू की जरूरत होती है वो अभी बहुत ही कम कुछ जगहों पे है। केवल जी तो डॉक्टर अखिलेश, लेकिन इसमें तैयारियां जो हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या हमें किन किन चीजों की और ज्यादा जरूरत है, हमें कैसे वो बेहतर करना होगा जी? हमें इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए किन किन चीजों को शामिल करना होगा? सरकारें क्योंकि लगातार एक्सपर्ट से सलाह ले रही हैं, तो क्या उनके लिए बताया जाएगा आपकी तरफ से? सबसे पहले तो ये जरूर, जहां तक बच्चों के लिए वैक्सीन जो है उसको डेवलप कर लिया, जो अभी तक थर्ड फेज या सेकेंड या थर्ड फेज बच्चों की जो ट्रायल चल रही है, जहां तक जल्दी से जल्दी हो सके इनका ट्रायल करके बच्चों में वैक्सीन स्टार्ट कर दी जाए। हालांकि अभी तक इसका स्टार्ट हो नहीं पाया, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को वैक्सीन का बच्चों में देना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी बात है बच्चों के लिए प्रॉपर आईसीयू और पीआईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे देश में बहुत ही कम डेवलप हो पाए, उनको डेवलपमेंट की दिशा में हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो है वैक्सीन, और वैक्सीन जब तक डेवलप नहीं होती है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है बच्चों के लिए, तब तक ज़्यादा मुश्किलें हैं और बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है डॉक्टर अखिलेश, तो उस दौरान हमें क्या और ध्यान रखना होगा, कैसे हमें बचाना होगा अपने बच्चों को? वही जो बच्चों के लिए कि वही बच्चे जहां घर पे रहें वहां भी मास्क पहन के रहें, बाहर जाए वहां पे प्रॉपर मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, बच्चे जहां तक उनको इन सब चीजों को सिखाएं और समझाएं कि वो प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जहां भी जाए और कोशिश करें कि जहां तक हो घर पे ही रहें। ठीक है डॉक्टर ओम शंकर, हम तीसरी लहर की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि देश भर में एक साथ तीसरी लहर आएगी या राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, उसके आधार पर राज्यों में अलग अलग समय पर यह वेव आएगी? डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर ओम मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन बच्चों में कोरोना हो तो आखिर क्या करें, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर अखिलेश, हम आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं, मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर ब्रजेश मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर ब्रजेश कुमार मुझे सुन पा रहे हैं आप?
लगता है कुछ अभी तकनीकी खामी है, ज़रा उसको दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़रा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और हम ज़रा डॉक्टर अखिलेश के पास चल रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश, हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमें सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना है और ये कई राज्यों में अब धीरे धीरे जैसे दूसरी लहर कम होती चली जा रही है तो ये कहा जा रहा है, खास करके दिल्ली के अंदर तो इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि इस महीने के बाद से अब अनलॉक की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, तो छूट मिलेगी, ढिलाई दी जाएगी, तो वापस से फिर से गैदरिंग होनी शुरू होंगी, तो इन सब के बीच में हमें क्या और ध्यान रखना होगा, खासकर बच्चों के लिए और जो लोग अपने घर से बाहर अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, वापस अपने घर आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, तो उस वक्त कैसे ध्यान रखना होगा बच्चों का? डॉक्टर अखिलेश मुझे सुन पा रहे हैं जी? बाहर से घर पे आते हैं, हाँ, पहले अपना जो भी कपड़े जो पहन के आओ आप अलग कमरे में रख दे, प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करें, हाथ पाथ प्रॉपरली धोए, उसके बाद ही इंटर करें कमरे के अंदर और बच्चों से मिले उसके बाद। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या इस दौरान बच्चों को भी मास्क पहनाना होगा? घर में अगर वो हैं तो भी उनको मास्क पहनाना होगा और जो शख्स बाहर से अपने घर आ रहा है उसको भी मास्क पहनना होगा? डॉक्टर अखिलेश जी, क्या जो बच्चे अभी घर पे हैं, बाहर तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग घर से बाहर जाते हैं रोजमर्रा के कामों के लिए वापस घर आते हैं तो उनको भी मास्क पहनना होगा, परिवार के दूसरे लोगों को भी मास्क पहनना होगा? लगता है शायद संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर ओम शंकर, बच्चों पर कितना असर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, तीसरी लहर की जो संभावनाएं हैं आपके अनुसार क्या इसमें है? देश भर में एक साथ ये लहर आएगी या राज्यों के मुताबिक उनकी परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग समय हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सेकेंड वेव है, केस एकदम सर्ज हुए बिल्कुल हॉकी स्टिक की तरह। पीडियाट्रिक्स की अगर पॉपुलेशन देखें तो 12% का एक कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट रहा, पहले केस कम थे तो बच्चे कम थे, अब कम से कम 12% बच्चे वैसे भी इन्फेक्ट होंगे, तो इस मामले में और थर्ड वेव का जैसे एक अंदेशा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है केस भी उसी अनुपात में ज्यादा हो, लेकिन हमें इस सेकेंड वेव से बहुत ही सीखना है, बहुत अच्छी तैयारी करके रखना है और इस दिशा में मुझे लगता है कि सारे राज्यों की तैयारी शुरू हो चुकी है, सभी जगह दिशा निर्देश आ चुके हैं कि आपको 100 बेड का PICU, जिसमें 50 बेड ICU के 50 बेड HDU के आपको हर मेडिकल कॉलेज में बना के रखना है और जिस पर मुझे लगता है कि हर कॉलेज में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो एक बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हमें थर्ड वेव के साथ लड़ना होगा जिससे कि हमारा कोई भी बच्चा इलाज से वंचित ना हो सके, क्योंकि ये सेकेंड वेव है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नवजात शिशु इस बार भर्ती हुए हमारे कोविड अस्पताल में और लेकिन ज्यादातर छुट्टी हो गए, ज्यादातर की हमने छुट्टी करी। ठीक है, लेकिन अब पहचान कैसे करें अगर बच्चों में संक्रमण आता है और बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तीसरी लहर में, और अभी अगर जैसा कि देखा गया राजस्थान में भी बहुत हद तक बच्चे इसमें इस दौरान संक्रमित हुए हैं और ये माना जा रहा है कि राजस्थान में तो तीसरी लहर आ भी चुकी है, तो ऐसे में पहचान कैसे की जाए कि वाकई में वो संक्रमित हो चुके हैं? देखिए, बड़ा उसमें तो सिंपल सा है, सभी जगह लक्षण वही है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सांस तेज चलना है, स्पेशली हमें अपने जनता को ये बताना, चूंकि बच्चे का थोड़ा सा अलग है मामला सांस का, एडल्ट तो 12 से 16 17 18%, बच्चों का एज के हिसाब से है, लेस देन 2 ईयर में कितना सांस है 50, 2 टू 1 ईयर में कितना है, 1 टू 5 ईयर में कितना है, लेस देन 2 मंथ में कितना है, तो ये भी हमें एक जनता को बताना होगा कि जहां भी सांस तेज हो और सांस संबंधी समस्याओं के बारे में हम भी जागरूक करना शुरू कर दिए हैं कि ये बच्चा है आपका लेस देन 2 ईयर है तो 50 से कम सांस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो इवन स्वास्थ्य संबंधी तो ये तो सबको पता चल गया कि फ्लू लाइक कोई भी सिम्टम होगा तो कोविड हो सकता है बच्चे को, लेकिन अभी जो बच्चों का पैटर्न देखा, कोई बच्चे केवल डायरिया करके प्रेजेंट हो गए हैं,
कोई बच्चों में केवल स्किन मैनिफेस्टेशन आए, उनकी लाल आंख हो गई, रेड आई, राइट आई में रेडनेस आ गई है, स्किन में कुछ दाने दाने आ गए हैं, धब्बे आ गए हैं, तो स्किन मैनिफेस्टेशंस भी हैं, लूज मोशंस भी हैं, कफ कोल्ड तो है ही, वीकनेस है, तो ये सब सिम्टम्स भी देखना होंगे और अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जब थर्ड वेव आएगी तो हमारे को तो बहुत जरा भी अंदेशा होने पर तुरंत उसकी जाँच करनी होगी। एंटीजन सब जगह उपलब्ध है, आरटीपीसीआर की दिन प्रतिदिन क्षमता बढ़ती जा रही है हर कॉलेज में, हर स्टेट में, तो कोई भी सिम्टम, फ्लू लाइक सिम्टम हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे फीवर हो अनएक्सप्लेन्ड, और स्किन के मैनिफेस्टेशंस हो, कुछ भी हो, टेस्ट चला जाए बच्चे का, टेस्ट ना आए, स्मेल चली जाए, कोई भी सिम्टम हो, तुरंत उसको पिक करके उसका तुरंत हमें कोविड जांच करना है, भले ही वो नेगेटिव आए। ठीक है, भले ही वो एक, हाँ जी देखिए, और उससे हमारे को पता चलेगा कि वास्तव में कोविड, और एंटीजन करके भी अगर आपके कोविड सिम्टोमेटोलॉजी में फिट हो रहा है, एंटीजन नेगेटिव भी है, तो फिर हम आरटीपीसीआर की तरफ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली तो हमारे को हर एक बच्चे का संक्रमण रोकना होगा उस स्टेज में, तो बहुत ज्यादा हमारे को अपनी जांच क्षमता बढ़ानी होगी। लेकिन सभी को उम्मीद है कि वैक्सीन बच्चों के लिए आए, और जब तक ये वैक्सीन डेवलप नहीं होती डॉक्टर ओम शंकर, तब तक ये बड़ा मुश्किल है बच्चों को बचा पाना, क्योंकि वैक्सीनेट जब तक हम नहीं करते हैं, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जो एक लंबी पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, जब तक वो एंटीबॉडीज़ उनके अंदर डेवलप नहीं हो जाती हैं, चाहे नेचुरली हों या फिर वो वैक्सीन के थ्रू हों, तब तक ये संक्रमण तो रहेगा ही रहेगा। तो हम वैक्सीन का तो इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक एंटीबॉडीज़ कैसे डेवलप हों? देखिए दो चीजें हैं, बच्चे में जैसे अभी तक आपने देखा सेकंड लहर में भी, मैं अपना डाटा देखूं तो यदा कदा एक या दो बच्चे ही एक्सपायर, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो माइल्ड सिम्टम के होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मॉडरेट, सीवियर हो सकता है 1 or 2 or 3 केसेस एवरी कॉलेज में हो, तो सीवियरिटी में बड़े कम बच्चे हैं, ज्यादातर मॉडरेट और माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जो इजिली डिस्चार्ज होते हैं। पिछली वेव में हम बोलते थे कि जो वायरस की एंट्री पार्ट है कि एस टू इनोवेटर से एंट्री करता है, तो इसलिए बच्चों में संक्रमण कम है, लेकिन इस बार वायरस हमारे से ज्यादा म्यूटेंट होकर ज्यादा स्मार्ट हो गया, वो एस रिसेप्टर ने वो डायरेक्ट एंट्री करने लगा, तो दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर आप एडल्ट को देखें, ओल्ड एज को देखें, तो बड़ी सारी क्रोनिक कंडीशंस भी होती है, बच्चे हमारे उन कंडीशन से थोड़ा मुक्त हैं, बच्चों का इम्यूनिटी पावर नो डाउट थोड़ा एडल्ट से बेटर है, तो ऐसी आशंका भी है कि वैक्सीनेशन तो एक बहुत अच्छा है जहां का हम कवर कर रहे हैं, लेकिन जनता में ये भी करना है कि थोड़ा सा अपना धैर्य रखें, थोड़ा साहस रखें, और बच्चों के प्रति थोड़ा सा बस लापरवाही ना बरतें, और ऐसा नहीं कि सारे बच्चे सीरियस होंगे, बहुत सारे बच्चे खेलते खेलते माइल्ड सिम्टम मॉडरेट सिम्टम में छुट्टी हो जाएंगे, तो जनता को बिल्कुल घबराए ना, हम बस जागरूक बनी रहे जनता, अदरवाइज बच्चों का अभी तक का प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा रहा है, माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स से मोस्ट ऑफ द बच्चे, इवन नवजात शिशुओं की बात करें, जैसे मैंने पिछले साल 15 थे, इस बार करीब 25 न्यूबॉर्न्स आए हैं, और लगभग लगभग कोविड की वजह से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, तो इस दौरान हमें दूसरी लहर में, बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, मैं आपके पास भी आता हूँ, कि हमने देखा कि दूसरी लहर में, पहली लहर में फंगल इन्फेक्शन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन दूसरी लहर आती है और उसमें जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, उनमें देखा जाता है कि वो ब्लैक फंगस से प्रभावित होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरी लहर आती है तो बच्चे भी इससे प्रभावित हों? देखिए जहाँ तक बच्चों की इम्यूनिटी है वो तो वैसे थोड़ी कमजोर होती है एडल्ट की तुलना में, इसका एक कारण देखा गया, दो चीजें हैं जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस बारे में जो हम लोग सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस का एक कारण कि ओवर ज्यादा यूज कर रहे हैं स्टीरॉयड का, हमने ओवर द काउंटर देखा कई मरीज अपने आप से स्टीरॉयड काफी लंबे समय तक खा ले रहे हैं, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो कमजोर हो जाती है, तो एक कारण तो इस ब्लैक फंगस पीछे ये है। दूसरा जो ऑक्सीजन का यूज है, हमें जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी यूज कर रहे हैं और इधर जो नॉर्मली बनने ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो ये देखा गया जो ऑक्सीजन का यूज हुआ इंडस्ट्रियल, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैं जल्दी से जरा ओम शंकर जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, ये तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं या
जो गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज हैं उनको ही हुआ और जो कोरोना से संक्रमित हुए उनको हुआ, तो बच्चों में भी इसकी संभावनाएं हैं क्या? बिल्कुल, बच्चों में भी इसकी संभावनाएं होंगी, डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि बच्चों की जो ओवरऑल इम्यूनिटी होती है वो कमजोरी होती है, तो बच्चों में इसकी संभावना। डॉक्टर डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया, ये सवाल आपसे है सर। देखिए बच्चों में, देखिए इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अब हमने ये सीख लिया है कि स्टेरॉइड को ओवर यूज नहीं करना है, 2 हफ्ते तो 2 हफ्ते कट ऑफ करके बंद कर देना है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड यूज करना है, उसमें केवल स्टेराइल वाटर का यूज करना है और कोई वाटर यूज नहीं करना है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज नहीं करनी है। हाँ, स्पेशली जो बच्चे हमारे जो ल्यूकीमिया से पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, इवन नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बार बार बच्चों में सूजन आ जाती है जिसमें ऑलरेडी स्टेरॉइड चल रहा है, उन बच्चों पर हमें स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको क्रोनिक डिसऑर्डर है, ल्यूकीमिया है या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उन पर हमें विशेष फोकस रखना होगा कि कहीं इस बच्चे को म्यूकर माइकोसिस ना हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कि एडल्ट और ओल्ड एज के वनस्पत बच्चों में इतना ज्यादा म्यूकर माइकोसिस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जरा छोटे बच्चों की भी बात कर लेते हैं। 1.5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होंगे सर, जो बता नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए कैसे पहचान की जाए और उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो इवन या तो फैमिली में कोई मेंबर हो और के तब सारे बच्चों की जांच करना है, कफ कोल्ड फीवर हो बच्चे उसकी जांच करनी है, बोल नहीं पा रहा कफ कोल्ड तो सारे पहचान जाते हैं कि नाक से सुड़सुड़ आवाज आ रही है, साफ खांसी ज्यादा आ रही है, सांस तेज चल रही है, हाफी आ रही है, इवन डायरिया, उस दौर में यदि डायरिया भी हो 1 साल के बच्चे, तब भी उसकी कोविड जांच हमारे को करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।